हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? एक बारी फिर से गाड़ी में चलते हुए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, और आज मैं कोई सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जनरली जो इस चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनते हैं जो कि ट्रैवल के होते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूं। अब फिलहाल मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं फॉर एक्स वाई ज़ेड रीजंस, बट आई थॉट कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ट्रैवल जब शब्द सामने आता है ना मेरे, तो लोगों को लगता है कि ट्रैवल सिर्फ ऐसे बीच पे गए पार्टी कर ली, माउंटेन्स में गए पार्टी कर ली, या फिर इस तरीके का माहौल। बट नहीं, ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्साइटिंग फीलिंग है, यस, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है जो आपको कई चीज़ें सिखाने का मौका प्रदान करती है, जैसे कि लोकल कल्चर्स होते हैं, लोकल क्विजींस होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लोकल पीपल, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके जीने का तरीका क्या है, उस एक्सपीरियंस से कुछ क्या सीख सकते हो अपनी लाइफ में। काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रैवल बेसिकली एनरिच करता है आपको इन सब चीज़ों के साथ। बट कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो ट्रैवल के टाइम पे हम जैसे ट्रैवलर्स भी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। और उन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के कुछ पॉइंट्स देने के लिए आया हूँ अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड प्रोबेबली अवॉइड, और यू कुड प्रोबेबली अवॉइड अपने एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा लंबा है नहीं, वीडियो को पूरा देखना। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कॉमेंट छोड़ के ज़रूर बताना कि आप एक ट्रैवलर हो या नहीं और कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हो, और अगर कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर कर सकते हो। लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट, लेट्स नॉट गो एनीवेयर। एक्चुअली गाड़ी में ही बैठे हैं तो कहीं जाएंगे नहीं, ट्रैफिक के सामने बहुत ज़्यादा लगा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करते हुए चले। बट देन अगेन, लेट्स फाइंड आउट कि मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करी जा सकती हैं और ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेटर बनाया जा सकता है। पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बेसिकली है इनएडुकेट रिसर्च एंड प्लानिंग। अब कई लोग बोलेंगे यार हमको तो इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स पसंद है, हमको प्लानिंग करके जाना पसंद नहीं है। इवन आई हैव बीन लाइक दैट, पहले मैं भी मोस्टली ऐसे ही किया करता था, बट रिसेंटली मतलब मेरे लास्ट कुछ ट्रिप से आई हैव डिसाइडेड कि रिसर्च करके जाओ, किस लोकेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप अपनी शेड्यूलिंग अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। उस प्लानिंग में बजट प्लानिंग भी आती है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। तो अगर आप रिसर्च नहीं करोगे बेसिकली आपको उस लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं, और ये एक ऐसा मिस्टेक है जो सारे के सारे ट्रैवलर्स करते हैं, इनएडिक्वेट रिसर्च, जिसकी वजह से देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप मिस आउट कर देते हो, लोकेशंस देखने का, लोगों से मिलने का, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करने का। और अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट भी करते हो तो वहाँ जाके आपको कुछ पता ही नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पे पता करने की कोशिश करते हो। अगर आप व्लॉग बनाने की कोशिश करते हो, स्पेशली उसके लिए काम आएगा ये कि अगर आप रिसर्च करके जाओगे, कंटेंट अगर आपको पता होगा लोकेशन के बारे में, उसका हिस्टोरिकल वैल्यू, उसका करंट वैल्यू, उसका मॉडर्न इम्पैक्ट क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपको वीडियोज बनाने में भी आसानी रहेगी। सो दिस पर्टिकुलर थिंग की रिसर्च करना इज नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बट जो व्लॉगर्स बेसिकली व्लॉगिंग करने के लिए भी जाते हैं उनके लिए भी है कि रिसर्च करो, थोड़ा सा पढ़ लिख के जाओ तो आइडिया रहेगा कि कंटेंट क्या बोलना है क्या नहीं। अदरवाइज यही होगा कि कैमरा ऑन करके बैठे रहोगे, पीछे मोबाइल लेके ऐसे छुपा के उससे कुछ पढ़ रहे होगे, और वो नेचुरल नहीं लगता है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप 15 दिन के ट्रिप के लिए गए हो और आपने 15 जोड़ी कपड़े जो हैं बैग में डाल लिए हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि मुश्किल से आपने 7 या 8 पेयर ही यूज किए होंगे। आई हैव डन दैट, मैं बॉम्बे गया हुआ हूँ कई बार महीने महीने भर के लिए, और मैंने ऐसे 15-20 जोड़ियाँ अपने साथ रखी है कि यार इतने तो लगेंगे, पर उतने लगते हैं नहीं, क्योंकि जब आपको पता है कि आप लॉन्ग स्टेज के लिए स्पेशली अगर कहीं जा रहे हो, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप लॉन्ड्री करवा सको, कपड़ों को धुलवा सको, साफ करवा सको और उनको रिपीट कर सको। अब अननेसेसरी पैकिंग का डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप वहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहो तो आपका लगेज बढ़ जाता है, क्योंकि आते टाइम आपके पास लगेज में जगह नहीं होती तो नया लगेज बैग या कुछ लेना पड़ता है। फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते आपके इम्प्रॉम्प्टू, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि एक लोकेशन को छोड़ के आपको दूसरी लोकेशन पे जाना है, बट आप इतने हेविली पैक्ड हो कि आपके पास वो ऑप्शन रह नहीं जाता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो ऑफर करता है लेस पैकिंग, वो आपको ओवर पैकिंग के साथ नहीं मिलता है। तो माई सजेशन टू यू वुड बी कि किस जगह जा रहे हो, किस लोकेशन जा रहे हो, उसका वेदर कैसा है, अगर
अगर इस बड़ी से अगर कोस्टल एरिया है तो आपको पता है आप ज़्यादा कपड़े ऐसे ज़्यादा हैवी कपड़े पहनोगे नहीं, शॉर्ट्स पहनोगे, लोअर्स पहनोगे, टी शर्ट्स पहनोगे, कट स्लीव्स पहनोगे, इस तरीके के कपड़े विच कैन ईजी टू बी मैनेज अगर आप कम भी लेके जाओ, क्योंकि उनको रिपीट किया जा सकता है अनलेस अनटिल आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा फैशनेबल दिखाना चाहते हो कि भाई आई डोंट रिपीट अ पेयर ऑफ क्लोथ, एक महीने में एक बार ही पहन लिया तो उसको छोड़ दिया। अब हम तो वैसे हैं नहीं भाई, तो मैंने वो लेसन अपना सीख लिया है कि मैं कम लेके जाता हूँ कम कपड़े, उनको रिपीट कर लेता हूँ, डजंट बॉदर मी। एंड मुझे अपॉर्चुनिटी भी रहती है, मौका भी रहता है कि यार सामान कम है, उठ के कहीं भी निकला जा सकता है। जब आप टिकट्स बुक करते हो अपनी फ़्लाइट की, आजकल ट्रेन की भी, इवन फॉर दैट मैटर बसेस की भी, तो एक ऑप्शन आता है वहाँ पे इंश्योरेंस का। हालांकि कई लोग इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं यार हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, बट देन अगेन यार बुरा समय कभी पूछ के नहीं आता है। माय सजेशन टू यू वुड बी, अगर आप खुद से ड्राइव नहीं कर रहे हो अपनी गाड़ी वाड़ी से, अगर आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, जो इंश्योरेंस के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जो कि 10-20 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए का होता है, उसको ऑप्ट करो। लेट्स से आप बीमार हो गए कहीं पे, या फिर भगवान न करे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो इंश्योरेंस जो है उस चीज़ को कवर करता है। आप जो एक पैसा अपने ट्रैवल के लिए इकट्ठा करते हो 20-30-40-50 हज़ार रुपये की, इस ट्रिप में मुझे इतना पैसा खर्च करना है, अगर आप बीमार पड़ गए हो, आपको चोट लग गई है, दवा दारू हो रही है, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो कि 1,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक, 10 लाख रुपये तक हो सकता है। सो वाई टू टेक दैट रिस्क? अगर 20-30 रुपये दे के आपको ऑप्शन मिल रहा है अपने आप को सेफ गार्ड करने का, देन आई थिंक एवरी ट्रैवलर, मेरे ख्याल में मैंडेटरी होना चाहिए खुद की तरफ से ही कि बिना इंश्योरेंस लिए हुए मैं घर से निकलूंगा ही नहीं, घर से निकलूंगी ही नहीं, और जो ये 20-30 रुपये दे के जो फ़ायदा है ज़िंदगी में जो उठाया जा सकता है वो बिल्कुल किया जाए। आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं पोर्ट ब्लेयर गया था 1.5 साल पहले, मेरा सिर्फ 2.5 दिन का ट्रिप था वो। अब 2.5 दिन में मुझे पता था कि करने को पोर्ट ब्लेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रायोरिटाइज़ किया कि मुझे क्या क्या जगहें देखनी हैं या मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अब करने को आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो, बट डू यू रियली वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन कि आपने एक एक्टिविटी ख़त्म करी, फटाफट से टैक्सी लो, कैब लो, दूसरी लोकेशन पर पहुँचो और वहाँ जो एक्टिविटी है वो करो, तो आप पहली एक्टिविटी को भी ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाओगे। ओवर बुकिंग हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है ट्रैवलर का, कि एक लोकेशन पे जाते हुए दे वॉन्ट टू सी एवरीथिंग, आप हर चीज़ नहीं देख सकते। भाई मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, दिल्ली की इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आज तक नहीं देखी, तो सोचो 15 साल रहने के बाद दिल्ली की मैं सारी चीज़ें नहीं देख पाया। आप 3 दिन किसी लोकेशन पे जाके सारी चीज़ें नहीं कर सकते, सारा कुछ नहीं देख सकते, तो प्रायोरिटाइज़ करो, ओवर बुकिंग मत करो। जो एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है ज़िंदगी में ज़्यादा रोमांचक है, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा फन देगी, मज़ा देगी, उनमें इन्वॉल्व हो, उन लोकेशंस को देखो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, यस दीज आर द थिंग्स एटलीस्ट आई नीड टू सी। एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करो कि इतना होना चाहिए और इतना मुझे करना है, उसके बाद समय मिला देन मे बी इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन कभी भी लिए जा सकते हैं। बट ओवर बुकिंग आप पैसा भी बर्बाद करोगे, आपने अगर दिन में 5 एक्टिविटी कर दी, एक में मान लो कहीं पे डिले हो गया, थोड़ा सा एक्टिविटी लेट हुई, कोई ग्रुप एक्टिविटी डिले हो गई, इस तरीके का, तो दूसरे एक्टिविटी के पैसे जो है बाबा जी का ठुल्लू बन गया। तो उस बाबा जी के ठुल्लू से बचने का उपाय यही है कि भाई ओवर बुकिंग ना करो, एक अच्छे से शेड्यूलिंग करो, शेड्यूल बनाओ, और बाद में अगर मौका मिले, समय मिले, देन गो अहेड एंड डू द एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगती है और आप करना चाहते हो उस लोकेशन। ये अब मैं हाथ में लगी इसलिए बना रहा हूँ अचानक से बीच में वीडियो में, क्योंकि कैमरे को भी अपनी सिक्योरिटी की टेंशन हो गई, कैमरा इज टू हॉट बोल के कैमरा बंद हो गया। GoPro के साथ बेसिकली सारे कैमराज के साथ यही प्रॉब्लम है, मेरे फ़ोन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, कहीं भी थोड़ी सी भी धूप जो होती है बर्दाश्त नहीं हो पाती इन लोगों से। एनीवेज तो मैं ये कह रहा था कि सिक्योरिटी के नाम पे, कि पहाड़ों पे जब मैं जाता हूँ, पहले जब बहुत जाता था, आजकल कम जाता हूँ, पर पहाड़ों पे जब मैं जाता था पहले, तो हमेशा एक ना टॉर्च कैरी करता था मैं, और उस टॉर्च के अंदर आपको यकीन नहीं होगा एक स्टन गन भी थी, क्योंकि अंधेरा होता है ट्रैक करते हुए और थोड़ा शौक था रात को ट्रैकिंग व्रैकिंग का, तो ट्रैक करते टाइम अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से एक ऐसी टॉर्च ली जिसमें पावर भी बहुत ज़्यादा था, रोशनी बहुत दूर तक जाती थी, और उसके अंदर एक स्टन गन भी थी जो कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड अटैक से, चाहे कोई जानवर हो चाहे इंसान रूपी जानवर हो, उसमें हेल्प करती थी और हेल्प प्रोवाइड कर सकती थी। अच्छा है भगवान की दया कि कभी यूज़ करने का मौका नहीं लगा, पर एटलीस्ट वो ऑप्शन था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने में, जो अगर आप ध्यान रखोगे तो हेल्प करेगी आपको
समझने में अपने ट्रैवल को और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब ऐसे वीडियोस जो अभी आप देख रहे हो, या मैं गाड़ी में बैठ के आपसे ऐसे रेगुलरली रैंडमली बात कर रहा होता हूँ, बट जैसे मैंने इस चैनल का एक मोटो बना रखा है कि अगर यहाँ तक आए हो तो या तो कुछ देख कर जाओगे या कुछ सीख कर जाओगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट छोड़ के, अपना बहुमूल्य समय देने के बाद एक कमेंट छोड़ के जरूर बताओगे कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और इस चैनल को और मजबूत बनाने में मदद करें हमारी, और होपफुली आपकी मदद से ट्रैवल करना फिर जल्दी दोबारा से मेरा शुरू होगा, जो कि काफ़ी टाइम से बंद है एक्चुअली। सो समय देने के लिए धन्यवाद। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गुरु जी।